प्रदेश में बढ़ते अपराधों का आलम यह है कि अब बदमाश बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला सीएम के गढ़ गोरखपुर का है, जहां बाइक सवार बेखौफ बदमाश दिन दहाड़े एक युवक से 5 लाख रुपए से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। वहीं बीच बाजार हुई इस लूट की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और पीड़ित से पूछताछ की। गोरखनाथ क्षेत्र से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से 5 लाख रुपए निकाल करके एक व्यक्ति जा रहा था, जो रहने वाला महाराजगंज कुल्हई का रहने वाला था। वह बैग में पैदल ही रुपया लेकर जा रहा था। पीछे से मोटरसाइकिल सवार दो लड़के चलती मोटरसाइकिल से उसके हाथ से थैला छीन करके आगे निकल गए हैं। बैंक से सीसीटीवी फुटेज देखा जा रहा है, अभी 6 बजे वो मिल जाएगा। उसके आधार पर जो हुलिया उनकी तेज हो रही है, कुछ बदमाश आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, वो घटना का इसे जल्दी पर्दाफाश कर लिया जाएगा। ये केवल शुद्ध रूप से कोई इसमें बल प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि चलती मोटरसाइकिल से ही इसको पैसे को छीन लिया है। फिलहाल पुलिस मामले में मुकदमा दर्ज कर जल्द से जल्द खुलासा का आश्वासन दे रही है, लेकिन एक बार फिर दिन दहाड़े हुई इस लूट ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए गोरखपुर से रुद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट।